एक्सेलचे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ 48 लॉर्ड रिसोर्ट में, जहाँ पर एक हेल्थ कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप लगाया गया है, फ्री मेडिकल कैंप जो है एक दिन का इसका आयोजन किया गया, जिसकी वर्चुअल इनॉग्रेशन जो है भूपेंद्र सिंह ने की, जो सचिव है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। आइए आपको भी दिखाते हैं इस कैंप से जुड़ी कुछ झलकियाँ। इस वक्त 4A लॉर्ड रिसोर्ट से जनरल मैनेजर विदेश जी है मेरे साथ। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर वन डे कैंप लगाया गया है, इसके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशन न्यूज़ में। नमस्कार, नमस्कार। सर, जो कैंप आज ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये सर हमारा एक दिन का हमारा ये कैंप है, जो हम जो आप सभी जानते हैं 4A लॉर्ड्स बीरपुर में है, तो हम बीरपुर के आसपास के जितने भी गाँव वाले हैं, और चाहे लेबर में हो चाहे सभी हो, उनके लिए हमने ये फ्री कैंप लगाया है, जिसके इन एसोसिएशन विद ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और एस्कॉम हॉस्पिटल, उनके द्वारा हमने ये जो लगाया, जिसमें फ्री कैंप में हमारा कैंसर स्क्रीनिंग है, इसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट के हैं, आई चेकअप्स हैं, जनरल फिजिशियन है, पेडियाट्रिक भी है। तो इसके द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर सभी गाँव वाले आए हुए हैं अपना चेक कराने। तो हमने ये कोशिश की है कि जो लिगेसी है, हमारे जो ओनर हैं मिस्टर राहुल बंसल के डैड मिस्टर दीवान बंसल का लिगेसी को कंटिन्यू करना, कि सर्व हमारे कम्युनिटी को सर्व भी करना, साथ ही साथ इस कम्युनिटी को बढ़ाना भी है। सीनियर मैनेजर आशुतोष जी, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं इस कैंप के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जो आज यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसकी थोड़ी सी विस्तार से जानें। ये बेसिकली इस मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप है, जो AOI एस्कॉम्स इन कोलेबोरेशन विद AOI एस्कॉम WCC इन कोलेबोरेशन विद A4 रिजॉर्ट के साथ हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हम लोग आज इसमें कार्डियक वाले भी हैं, इसमें आपको जनरल फिजिशियन भी मिलेंगे, ऑर्थोपेडिशियन भी मिलेंगे, ENT सर्जन भी मिलेंगे, ऑप्थल मिलेगा, गाइनी मिलेगा, साइकेट्रीज मिलेगा। तो इसमें विभिन्न तरह की स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, सभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो अपना परामर्श टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ WCC की टीम है, जिनकी अपनी मोबाइल वैन्स हैं, जहाँ पर हम लोग फ्री मेमोग्राफी, फ्री पैप्समियर, फ्री PSA, उसके अलावा बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट है। तो ये सभी टेस्ट हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट एक अवेयरनेस, हम लोग लोगों तक जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैंसर जो है एक आज की डेट में लाइलाज बीमारी नहीं है, अगर उसको टाइमली डिटेक्ट किया जाए तो वो क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। जैसे कि अगर बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो फर्दर क्या स्टेप रहेगा? देखिए, अगर किसी का यहाँ पे डायग्नोस होता है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जम्मू के अंदर है, वो एक लोता कैंसर केयर हॉस्पिटल जम्मू के अंदर है, जो कैंसर से रिलेटेड सभी सर्विसेज अंडर वन रूफ पेशेंट को प्रोवाइड करता है। हम बोलेंगे, एडवाइस करेंगे हमारे कंसल्टेंट्स कि आप अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में आइए, उनका आगे वहाँ पे फर्दर इवैल्यूएशन की जाएगी। डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लों फ्रॉम वर्ल्ड कैंसर केयर। वर्ल्ड कैंसर केयर और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी जम्मू में आई है, और हमारा काम होता है कि कैंसर को समय रहते पकड़ो,
उसी के लिए हम इनिशिएटिव कर रहे हैं और काफ़ी सारे कैंप ऑलरेडी जो AOI यहाँ पे कर चुकी है और मोबाइल यूनिट हम लेके पहुँचे हुए हैं जिसमें मोबाइल मेमोग्राफी वैन लेके पहुँचे हुए हैं और जितने भी लेडीज सस्पेक्टेड है जिनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कोई सिम्टम है उनकी मेमोग्राफ किए जा रहे हैं। इसके अलावा सर्विस कैंसर के लिए पैप्समेयर किए जा रहे हैं उसकी वैन अलग से आई हुई है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्टिंग है। ब्लड कैंसर के लिए टेस्टिंग की जा रही है। मोबाइल वैन ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए स्पेशल मोबाइल वैन एक ब्लड करी है वो आई है यहाँ पे। एक मोबाइल वैन बोन डेंसिटी के लिए है। सो चार वैन यहाँ पे पहुँची है अप्रॉक्सीमेटली जो वर्ल्ड कैंसर केयर की 25 के करीब मेडिकल टीम यहाँ पहुँची है। और इसके अलावा जो लिटरेचर दे रहे हैं अवेयरनेस के लिए हम लोग लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा काम होता है कि कैंसर को समय रहते ही पकड़िए, हेल्थी लोगों को चेक करते हैं, सिम्टम डायग्नोज करके बाद उनका जो फाइनल जो है टेस्टिंग वो की जाती है। और इसके अलावा जनरल मेडिसिन दी जा रही है, डायबिटीज का ब्लड प्रेशर है। और ये जो आज का कैंप है ये एक मल्टी स्पेशलाइजेशन कैंप है यहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल से। तो सुषमा जी आप यहाँ पर कैंप में आई हैं, हेल्थ चेकअप करवाने आई हैं। तो इस कैंप की जानकारी कैसे मिली आपको? एक्चुअली हम लोग रत्नचक से आए हैं, वहाँ हमारे यूनिट में बताया गया कि यहाँ पे मेडिकल हो रहे हैं तो हम उसी के लिए आए हैं इधर। तो यहाँ पर अच्छे से जो है किया जा रहा है? अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमें कुछ वैसे पता नहीं है, फिर भी हम जो टेस्ट है उसके लिए आए हैं। मैं बीरपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मनीश्वर सिंह जम्वाल है। मुझे जहाँ से अभी फ़ोन गया था कि जहाँ पर एक बहुत अच्छा कैंप चल रहा है, तो फिर मुझे जहाँ आने का मौका मिला तो जहाँ के मैंने देखा काफ़ी डॉक्टर्स जहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कि हमारे इलाके में इतना अच्छा ये कैंप चल रहा है। और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं बाहर के आए हुए लोग, काफ़ी यहाँ पर रश है। और मैं एयरफोर्स वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसे कैंप का अरेंजमेंट किया। जिनके टबैको स्टेन्स होते हैं हम वही रूल आउट करते हैं कि किस तरह का कैंसर इन्हें हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस प्रोग्राम वेयर वी अवेयर द पीपल नॉट टू च्यू सच हार्मफुल सब्सटेंसेस। ऑन्को जीन्स होते हैं, कैंसर वाले जीन्स होते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है उस जिस जगह पे ये टबैको या गुटखा रखते हैं उस जगह पे कैरेटोसिस के बाद टबैको कैंसर कोज कर देता है, कैंसर हो जाता है। फिर बाद में पूरी स्वेलिंग, ये जो भी एपिथीलियम है, जो भी ऊपर वाली लेयर है, वो सारी अंदर लेना शुरू कर जाता है। और ये सबसे ज़्यादा माउथ वाला कैंसर डेंजरस होता है क्योंकि ये फूड पाइप तक जाता है, ये सारी लाइनिंग फूड पाइप तक जाती है। 4A लॉर्ड रिसोर्ट द्वारा जो एक बेहतरीन प्रयास किया गया जिसमें स्थानीय लोगों को जो है उनको जाँच करवाने का मौका दिया गया। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग शामिल हुए, उन्होंने अपनी जांच करवाई, अपनी टेस्टिंग करवाई और उन्हें जो ज़रूरी यहां पर परामर्श दिया गया, ज़रूरी जो गाइडेंस दी गई, निसंदेह वो आने वाले समय में जो है अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे और फ्यूचर में भी अगर उन्हें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो 4A लॉर्ड रिसोर्ट द्वारा जो है उन्हें सहयोग किया जाएगा। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स आए हैं उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। शानदार प्रयास था, हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी जो है ऐसे कदम जारी रखें। हालाँकि इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जून में भी इसी तरह का एक कैंप जो है उसका आयोजन किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।